हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सूखा चना का सब्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोग के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक कटोरी चना लिया था जो मैंने सुबह मॉर्निंग में भिगो दिया था और शाम तक रेडी हो गया। अब हम इसको बनाने के लिए क्या क्या लगने वाला है तो देखिए, 2 मिर्च लगने वाला है, 8 से 10 कली लहसुन और 2 टमाटर, 2 प्याज और ये मसाला है। आपको चारों मसाला लग जाएंगे, जैसे धनिया, हल्दी, जीरा, मिर्ची पाउडर और नमक और सरसों का तेल। आप चाहो तो रिफाइंड भी डाल सकते हो। और एंड में हम क्या डालेंगे इसमें, ये नारियल हमने कद्दूकस किया है थोड़ी सी टुकड़ा सजाने के हिसाब से, और ये धनिया का पत्ता। तो हम शुरू करते हैं। हमने गैस को ऑन किया, अब हम सरसों का तेल डालेंगे इसमें। देख सकते हैं कि हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। हम अंदाज से डाल देते हैं इसे, आप चाहो तो आप चम्मच से भी डाल सकते हो। मेरा को थोड़ा अंदाज़ा है तेल का, और ये तेल सरसों का है, थोड़ा सा हमको पहले इसको गर्म करना होता है। और रिफाइंड में हम डायरेक्टली हम डाल देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें प्रोसेस करते हैं। जब तक हमारा उधर तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम ये लहसुन को खलबत्ते में हम कूट लेंगे, काट के नहीं डालना है इसमें, कूट के डालेंगे। और ये हम प्याज और टमाटर को चॉप करते हैं। देख सकते हैं हमारा सरसों का तेल बिल्कुल गर्म हो गया। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। ये देखिए गरम था तेल बिल्कुल। अब इसमें हम इस तरफ से प्याज काट लिया, आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा हमने काट दिया, लंबा लंबा। इसमें आप बारीक भी काट सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा लंबा डाल देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है इसमें, मैंने थोड़ा लंबा डाल दिया है। अब इसको हम करेंगे, तब तक टमाटर भी चॉप हो जाएगा हमारा, इस तब तक ही ये सिकेगा। देख सकते हैं हमारा प्याज हमारा भूंज गया है, 2 मिनट हमने इसको सेका, ब्राउन किया। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे जो हमने खलबत्ते में कूटा था। ये हमने लहसुन डाल दिया, ये हरी मिर्च भी डाल दिया जो हमने काट के रखा था। टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर भी हमने वैसे ही साइज़ रखा है, बारीक ज़्यादा नहीं किया है, मीडियम साइज़ में ही बड़ा बड़ा रखा है थोड़ा। अब इसमें हम सभी मसाला डालेंगे, अब देख सकते हैं इसमें हम सभी मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम नमक डालते हैं, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए, ऐसे मैं 2 छोटी चम्मच डाल रहा हूँ, अब अपने हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हरा मिर्च भी हमने डाला है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 छोटी चम्मच हरा में सॉरी ये धनिया पाउडर 2 चम्मच, और ये 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अभी देखिए हम इसको मिला लेंगे, इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे 1/2 चम्मच, देख सकते हैं इसमें हम अब गरम मसाला डाल देते हैं। अभी हमारा सब मसाला हो गया, इसको मिला लेंगे। इसके बाद हम अब चना डाल देते हैं, देख सकते हैं हमें चना भी डाल देंगे, अभी ज़्यादा हम देर नहीं पकाना है हमको। ये देखिए मसाला हमारा ऑलमोस्ट पक गया था, अब इसको भी हम मिला लेंगे, चने को भी चला लेते हैं, इसको धीरे धीरे करके पूरा मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं हमने पूरा मिक्स कर दिया, और जिस खलबत्ते में जो हमने लहसुन कूटा था उसी में ही मैंने पानी डाल दिया, तो थोड़ी 1/2 कटोरी हमें लहसुन वाला ही पानी इसमें डाल देंगे पकने के लिए। अब इसको हमको 5 मिनट पकाना पड़ेगा, इसको अब ढक देते हैं और 5 मिनट पकाते हैं। देख सकते हैं इसको ढक दिया, अब इसको 5 मिनट वेट करके फिर देखते हैं कि इसमें और कितना और पकाना है। आइए देखते हैं, 5 मिनट हो गया हमारा, ये देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट पक गया है। इसको अब केवल 5 मिनट और छोड़ना है, क्योंकि चना है ना ये कम पे पका रहे, हमारा गैस बिल्कुल मीडियम में है, तो इस 5 मिनट और करते हैं इसको। आइए 5 मिनट हमारा हो गया, देखिए ढक्कन खोल के देखा बिल्कुल दम पक गया है। अब इसमें हम नारियल डालेंगे, जो मैंने पहले भी कहा था कद्दूकस करके हमने रखा था, आप चाहे तो आप ना डालना, कहीं चाहो तो ना डालें, लेकिन मैंने इसको डाला तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसमें हम नारियल डाल देंगे। इसमें अब हम धनिया डाल देंगे, ये देखिए। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।